अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ मायो गार्लिक सॉस, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें थोड़े और फ्लेवर ऐड करती हूँ तो ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे लिए एक कप मेयोनीज़, मैंने डायरेक्ट नहीं डाली है, मेजरमेंट के कप से नाप के ही मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कप मेयोनीज ली है, वो मैंने इसमें ऐड की कर दी है, थोड़ी सी रह गई थी तो वो भी मैंने ऐड कर दी। ये मेरे पास ऑलपर की फ्रेश क्रीम है, इसको भी एक कप लिया है। क्रीम ऐड कर देंगे इसमें, ये 1/4 कप दही मैंने लिया है इसमें, ये ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये काली मिर्ची ली है पिसी हुई, तो मैं फ्रेशली कूट के ही डालती हूँ, जो पिसी हुई होती हैं मैं वो नहीं यूज़ करती, क्योंकि उसका पीस के रखने से उसका टेस्ट जो है वो नहीं रहता है। तो इसलिए मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो फ्रेशली उसी टाइम पे कूट के उसको यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, इसको भी मैंने भून के इमामदस्ते में कूटा था, इसको मैंने हाफ़ टी स्पून लिया, ब्लैक पेपर भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था। ये मैंने 2 पिंच गार्लिक पाउडर है, यह मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है 1 पिंच, ये मैंने 6-7 हरी मिर्ची ली थी और 4-5-6 वो लहसुन के जवे लिए थे, उन्हें मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कुटी हुई मैंने मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें मैंने इसमें ऐड किए हैं 1/2 टीस्पून। विनीगर मैंने यहाँ पे लिया है, फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसके ऐड किए हैं विनीगर के। यहाँ पे मैंने एक लेमन जूस पूरा ऐड किया है इसमें, एक लेमन का जूस ऐड किया है इसमें। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप विनेगर 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर विनेगर ना हो तो सिर्फ लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने वाइट पेपर लिया था 1 पिंच, मैंने वाइट पेपर इसमें ऐड किया है, और मैंने इसमें 1 पिंच शुगर भी ऐड की थी इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए। तो ये बहुत मज़े की बनती है, इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था मैंने। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। तो और यहाँ पे फिर मैंने इसको क्लीन रैप करके रख दिया था। तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।